एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सो काफ़ी एक्साइटिंग ब्लॉग रहने वाला है ये, बिकॉज आज मैं जा रही हूँ 2-3 मेरे काम से बाहर और कल मेरी फ्रेंड की शादी है, सो आई एम गोइंग टू कैप्चर ऑल दोज थिंग्स। मैं जा रही हूँ DB और न्यू मार्केट, 2 काम से, मतलब मार्केट जा रही हूँ इन शॉर्ट बोलूँ तो मेरे जो कुछ सूट्स हैं, क्योंकि इसके बाद अब बैक टू बैक हमारे घर में भी काफ़ी सारी शादियाँ हैं, मेरे कज़न की शादी है एंड ऑल दैट। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सूट्स हैं ना, इनमें कुछ ऑल्ट्रेशन कराना है मुझे। इसमें ऑल्ट्रेशन कराना है स्लीव्स का, फिर उसके बाद आई हैव वन मोर येलो सूट, इसमें भी मुझे ऑल्ट्रेशन कराना है। मैंने नया लिया है बट ऑल्ट्रेशन इसमें ज़रूरत है। उसके बाद ये मैंने अमेजन से लिया था, इसकी स्लीव्स मुझे ऑल्टर करानी है। उसके बाद ये वाला जो सूट मैंने मिंत्रा से लिया था, अगेन मुझे इसकी स्लीव्स, सबकी स्लीव्स ही मुझे ऑल्टर करानी है, क्योंकि मुझे ना 3/4 स्लीव्स पसंद नहीं आती है। मुझे जो थोड़ी इतनी स्लीव्स पसंद आती है, यहाँ तक नहीं अच्छी लगती है। सो वो मुझे करवाने के लिए डालना है। साथ में मुझे ना फाउंडेशन लेना है। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले जब मैं MAC का फाउंडेशन यूज़ करती थी ना, इससे पहले मैं वो यूज़ करती थी, नाम भूल गई, बताओ। मैंने MAC जो है टीनू की शादी के टाइम पे परचेस किया था और छोटी बॉटल परचेस करी थी। मैंने नायका से परचेस किया था। तो एवरी टाइम आई अप्लाई दिस फाउंडेशन ऑन माय फेस ना, विद इन 1 आवर के टाइम पीरियड में ही मेरा फेस इतना डल लगने लगता है कि मेरा नेक उससे ज़्यादा ठीक लगता है। मतलब दिखता है अलग ही कि बहुत ज़्यादा लेवल पर ऑक्सीडाइज हो गया है। तो 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि मैंने शेड गलत मंगवा लिया है अपना, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पता नहीं प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट हो या जो भी हो, XYZ। तो मैं जा रही हूँ, तब तक भोपाल में MAC का स्टोर नहीं ओपन हुआ था। अब तो काफ़ी सारे लग्जरी ब्रांड्स भी आ गए, मेकअप वाले भी, अब यहाँ पर सब कुछ आ गया है। तो मैं वही जा रही हूँ फाउंडेशन सेलेक्ट करने के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स जो मुझे नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। एक्चुअली मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि आप भले इंडिविजुअली नहीं, बट आप व्लॉग्स में इस तरीके का पार्ट इंक्लूड कर सकते हो। जिस भी मंथ आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, तो जो भी चीज़ें आपकी फेवरेट्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। तो दिसंबर में भी जो भी चीज़ें मेरी फेवरेट्स रहेंगी वो मैं जनवरी में इंक्लूड कर दूंगी कि क्या क्या मैंने नया ट्राई किया और क्या ट्राई करने में मुझे बहुत मज़ा आया है। सो दैट अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस पे ट्रस्ट करते हो, सो यू विल डेफिनेटली बाय दोज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है अभी नवंबर मंथ में, दिस इज़ द टॉप फ्रॉम द ब्लिस क्लब, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंडक स्टार्ट हो गई है। सो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ अ फुल टी शर्ट। मुझे ये आई थी ब्लिस क्लब से, एंड ब्लिस क्लब के जितने भी फ्लेयर पैंट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ दी ऑल डे कम्फर्ट पैंट, जो कि वॉश होने के लिए जा रही थी और मैं उसमें से निकाल के लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये हो गया। इनफैक्ट मैं पहन के भी वही वाली पैंट बैठी हुई हूँ सीधे। ये जो टी शर्ट है फ्रॉम द ब्रांड ब्लिस क्लब, इसकी जो बेस्ट चीज है वो ये है, ये जो फैब्रिक है दिस इज अ कॉटन नेट, मतलब 100% कॉटन है। लाइट है, ब्रीदेबल है एंड सॉफ्ट है एंड काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। रिलैक्स्ड फिट है, तो आप आराम से मूव कर सकते हैं। फुल स्लीव्स है एंड साथ में विद कफ दिए हुए हैं। मैं पहन के दिखाऊंगी, आप इमेज डाल दूंगी कैसा लगता है ये पहनने के बाद। कमिंग टू दीज पैंट्स, जो कि है कॉटन फ्लेयर पैंट, जो कि मैंने यहाँ पर पहनी हुई है। मेड विथ 95% कॉटन एंड 5% स्पैंडेक्स। ब्रीदेबल है, सॉफ्ट है एंड सुपर कंफर्टेबल है। इसके अंदर मॉइस्चर कंट्रोल है, इंसुलेटिंग है, मतलब कूल्स यू व्हेन इट्स वार्म एंड वाइस वर्सा। 2 डीप साइड पॉकेट्स इसमें दी हुई हैं, जिसमें आप आराम से अपना मोबाइल रख सकते हो, आप कीज रख सकते हो, छोटी मोटी चीजें रख सकते हो कहीं जा रहे हो तो। हाई वेस्ट है, साथ ही साथ अंदर की जो इनर कॉर्ड है दैट इज एडजस्टेबल एज वेल। काफी सारे कलर्स में ये अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ब्लिस क्लब का कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है और आप पूछोगे कि कोई एक प्रोडक्ट जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, तो मैं आपको बोलूँ कि आप इनके बॉटम वेयर में जरूर से इन्वेस्ट करिए, बिकॉज यू विल गोइंग टू लव इट। जब आप इसको एक भी बार पहन के देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सो अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है मेरा कूपन कोड, आप कूपन कोड यूज करेंगे, आपको मिलेगा 20% ऑफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बी ब्लड का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप। सो यूजुअली जो आप हीट प्रोटेक्शन यूज करते हो ना जब भी अपने बालों में, तो या तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, या आपके बाल प्रोटेक्ट तो होते हैं बट आपके बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ख़राब हो जाता है, हार्श हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा चेंज हो जाता है। बट विद दिस हॉट शॉट जो है बी ब्लंट का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे बालों को डैमेज तो डेफिनेटली, देखो आप हीट यूज़ करोगे तो होगा ही, बट उस लेवल का नहीं होगा। आप इफ़ यू आर समवन हु स्टाइल्स योर हेयर ऑन रेगुलर बेसिस, डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस वन। एंड अगर नहीं भी है तो आप कभी कभी भी अगर स्ट्रेटनर करते हो, कर्ल्स करते हो, और इवन इफ़ यू यूज़ ब्लो ड्रायर एज वेल, तब भी आप इसको मंगवा सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में, व्लॉग में भी देखोगे आगे, मैं क्योंकि शादी में जाने वाली हूँ, सो आई यूजली यूज़ दीज 2 कलर्स, इन दोनों को मिक्स करके ही मैं यूज़ करती हूँ। मामाअर्थ के कलर्स हैं ये, 02 एंड जो दूसरा कलर है दिस इज 07. अमेजिंग लिपस्टिक्स है, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन आपके लिप्स पे देते हैं. इनफैक्ट आप कितना भी खाना खा लो, कितनी भी देर तक लगाए रखो, 8 आवर्स के बाद हल्का हल्का फेड होना स्टार्ट होता है. अदरवाइज मैंने इसको टेस्ट किया है फॉर 12 आवर्स. दिस इज अमेजिंग. एंड ये दो शेड्स इंडियन स्किन टोन पे तो बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं. ये है मामाअर्थ का मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस O-Lens के लेंसेज हैं. सो मुझे एक्चुअली वो जो एकदम ऐसे नागिन टाइप के लेंसेज होते हैं ना, ये बिल्कुल लगाना पसंद नहीं होता है, ना मुझे देखना पसंद आता है. बिकॉज पहली चीज़ तो वो हर किसी के ऊपर सूट नहीं हो रहे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो, ठीक है, बट अब जिसको जो पसंद है वो करता है. तो मुझे लेंस लगाना अच्छा तो लगता है, बट इट शुड बी नेचुरल लुकिंग लेंस. ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो वीडियो में तो अच्छे दिख रहे हैं, बट मैं लाइव किसी के सामने जाऊँ तो वो डर जाए मुझसे. आई बॉट कुछ लेंसेज फ्रॉम O-Lens. तो मैं जो O-Lens का मूड ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, और दूसरा है O-Lens का वीवी रिंग. मुझे ऐसा लगता है इंडियन स्किन टोन पे ये एक्चुअली में बहुत प्रिटी लगते हैं. इफ़ यू हैव डार्क आईज लाइक मी, लाइक आई हैव अ जेड ब्लैक आई कलर, एंड तो मैं मेरे ऊपर यही अच्छे लगते हैं और मुझे यही पसंद है. मुझे ज़्यादा बोल्ड नहीं करने होते हैं, बोल्ड मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आते हैं. सो दीज आर द लेंसेज विच आई एम यूजिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी ग्रेट. सो येस, दीज आर द प्रोडक्ट्स और मेरे फेवरेट जो मुझे नवंबर में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैंने बहुत इनको यूज़ किया है. और अब चलते हैं रेडी होने के लिए, बिकॉज मुझे जाना है मॉल. सो या लेट्स गो. ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, दोनों फेस पे, अपने दोनों साइड ऑफ फेस पे फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट लगाया है. और मैं 1-1.5 घंटा मॉल में घूमी हूँ. और जब तक, क्योंकि होता है ना, 1 घंटे में पता चल जाता है आपकी स्किन का रिजल्ट क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं हो रहा है. घूमी, तब तक मैंने पापा के लिए शॉपिंग वगैरह की, बेसिक से जो जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर उसके बाद मैंने परचेज़ किया है. तो यहाँ पर मैं अगेन शॉपर स्टॉप में वॉच सेक्शन में आई हूँ. तो आज के लिए जो विंटेज केसियो का मॉडल चल रहा है ना, मैं वो देखने के लिए आई थी. मुझे लग तो काफ़ी अच्छा रहा था, बट मैंने अभी लिया नहीं. मैं देखूंगी, सोचूंगी. उसके बाद मुझे एक फॉसिल का ये वॉच का मॉडल बहुत पसंद आया था. मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट वाज लुकिंग सो क्लासी एंड सो लग्जूरियस. बट मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी वॉचेज़ हैं तो मैंने नहीं लिया, बट हाँ, बहुत सुंदर लग रहा था. उसके बाद आ गए हम लोग बिलिंग कराने के लिए मैक के प्रोडक्ट्स का. ओके गाइज, सो आई एम बैक और आ गई हूँ मैं सामान सब लेकर के. आई आस्क हर कि आई हैव दिस NC 35 foundation and I have two compact. One is NC 41 and one is NC 40. She literally told me कि आपकी skin के लिए NC 35 है ही नहीं. मतलब इट इज़ वेरी वे डार्कर फ्रॉम योर स्किन कलर. है ना, मैंने अपने टीनू की शादी में मैंने यही फाउंडेशन खरीदा था एंड मैं यही लगाती थी एंड माई स्किन लिटरली लुक्स वेरी डार्क. और मेरे को मम्मी ने भी टोका था कि तुम्हारी स्किन यूजुअल से ज़्यादा डल लग रही है. चल रहा था अगर आप कोई भी दो सामान परचेस करते हो तो तीसरा उसके साथ फ्री मिल जाएगा. NC 25 इज़ माई शेड, ऐसा उसने बोला है. वो भी मैं NC 25 लेके आई हूँ. दो ये थोड़ा सा लाइट है, उसने मुझे ये बोला बिकॉज आपके पास ऑलरेडी दो कॉम्पैक्ट हैं तो आप ये कर सकते हो कि इसको और इसको मिक्स करके यूज़ करना. एकदम से अगर आप अकेले इसको यूज़ करोगे तो इट विल लुक वेरी लाइट, तो आप दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपके ये प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. तो शी वॉज मेकिंग गुड सेंस टू मी. पैन खाली भी नहीं हुए हैं. NC 25 दो थोड़ा लाइटर लग रहा था. सो उसके बाद फिर मैं कंसीलर लेकर के आई. तो कंसीलर में मैंने लिया है, कौन सा शेड है भाई ये, NC 35. हाँ, कंसीलर में मैंने NC 35 लिया. जो क्या क्या मैंने लिया है, एक तो ये लिया है, उसके बाद मैंने एक फाउंडेशन लिया है, साथ में मेरे को ये फ्री आ गया है. दिस इज़ स्ट्रोब क्रीम. ये वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव आती है. दिस कम्स फॉर ₹3400, बट क्योंकि मैंने दो के साथ एक फ्री था तो इसलिए मुझे इन दो के साथ ये फ्री मिल गई है. तो अब हाँ, अब इतनी सारी चीज़ें ले तो ली हैं. अब अगर ये शेड गलत निकल गया या मेरे स्किन का नहीं निकल गया तो मेरी आत्मा, दिल, दिमाग सब कुछ रोने लग जाएगा. कल मैं फर्स्ट लगा के भी जाने वाली हूँ. इमेजिन, गट्स देखो मेरे. कलर बार से एक वो ख़रीदा है, ये ब्यूटी ब्लेंडर. हाँ, ये ब्लैक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा है. 199 रुपीज़ का था, काफ़ी सस्ता है. एंड दूसरा, मैं अपने पापा के लिए एक तो हुडी लेकर के आई हूँ और एक स्वेट शर्ट लेकर के आई हूँ. नेक्स्ट आई गॉट अ वेरी वेरी अमेजिंग PR प्रोडक्ट कॉल्ड एज अनॉन डोमो. आई होप कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. सो बेसिकली दिस इज़ अ ब्रांड जो मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी, उसने ये ब्रांड, उसका खुद का ये ब्रांड ओपन किया है. इट्स लाइक अ स्टार्टअप फॉर साड़ीज़ और इतनी ब्यूटीफुल हैंडलूम साड़ीज़ है उसके पास. डेफिनेटली द कलेक्शन इज़ वेरी यूनिक और काफ़ी हटके कलेक्शन है। तो उसने मुझे 2 साड़ीज़ भेजी हैं, ऑल्दो मैंने पसंद करी थी 2-3 अलग, बट वो कलर्स आउट ऑफ स्टॉक है। वो इतने प्रिटी कलर्स थे ना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कलर्स आउट ऑफ स्टॉक है। तो मुझे जो सेकंड साड़ीज़ मिली है वो भी बहुत प्रिटी आई हैं। पहले बात करते हैं इस ब्रांड की जो मुझे सबसे अच्छी लगी। जैसे ये प्रोडक्ट मेरे पास आया ना, साड़ी थी वो इस क्लोथ बैग के अंदर आई। कोई प्लास्टिक, कोई पॉलिथिन इस तरीके का रैपअप नहीं था, प्रॉपर कपड़े में इको फ्रेंडली पैकेजिंग में आई है, विच आई रियली रियली लाइक अबाउट। मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, पर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे कॉलेज की जूनियर है, इसलिए कर रही हूँ बिकॉज एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएटिंग वाली चीज़ है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी। ये वाइब्रेंट कटन बलूचुरी साड़ी है। इट पोर्ट्रेट्स द कहानी 6 yards विद राजा महाराजा मोटिव्स विच डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फोक टेल्स ऑन द पल्लूज ऑफ द साड़ी। बहुत ही रॉयल एंड रिच साड़ी है ये। गोइंग टू लुक अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड क्लास लगने वाली है। डेफिनेटली मैचिंग ब्लाउज के साथ ही अच्छी लगेगी। या सच अ प्रिटी प्रिटी पीस। इवन मेरी मम्मी को भी इतना ज्यादा पसंद आया है बिकॉज इस तरह का कुछ पैटर्न हमारे पास कभी था ही नहीं। नेक्स्ट इज दिस साड़ी एंड लुक एट दिस। दिस इज अ पल्लू, ओके, एंड ये है ब्लैक कॉटन। दिस इज द ब्लाउज, ये इसका पल्लू है एंड ये इसकी साड़ी है। तो मतलब मैं इस साड़ी को उस तरीके से इमेजिन कर रही हूँ कि आई शुड वेयर समथिंग वेरी हैवी ऑन माई नेक, जो ऐसे नहीं होता लॉन्ग लॉन्ग लेंथ का होता है, कुछ ग्रीन स्टोन में ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो लेट्स सी। अभी तो मेरे को सबसे पहले इनके ब्लाउज स्टिच कराने पड़ेंगे, और अभी क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी शादियाँ हैं तो मैं किसी ना किसी की शादी के रिसेप्शन में डेफिनेटली इसको पहनूंगी। जब पहनूंगी तो पिक्चर शेयर करूंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच इशिता, आई लव बोथ द साड़ीज। ओके गाइज, सो आज है नेक्स्ट डे और रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। मैं हो चुकी हूँ भयंकर वाला लेट, जबकि मैं सुबह जल्दी उठ के नहा ली थी क्योंकि मेरे बाल ड्राई नहीं हुए थे एंड आई वांट माय हेयर टू गेट एयर ड्राई, ब्लो ड्राई नहीं करना था मुझे। तो अब 10 बज चुके हैं, आई हैव ओनली 10:30 तक मुझे पहुँचना है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि 10:30 पे निकल जाऊँ एनी हाउ। सो फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आते हैं बालों को कर्ल करने से। फटाफट मैंने मतलब विदिन 10 मिनट्स में अपने बालों को कर्ल किया है। एक्चुअली 10 मिनट्स में होते नहीं है, पर थोड़ा टाइम मैंने बिल्कुल देखो छोटे छोटे कर्ल्स करें, नीचे नीचे से सिर्फ हल्का हल्का सा ट्विस्ट किया है, दैट्स इट। इसलिए फटाफट हो गया। उसके बाद मैंने बेस लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं अपना स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ। बहुत अच्छा शाइन दिया है इसने मेरे फेस पर, मतलब इट वॉज लुकिंग सो गुड। उसके बाद कंसीलर ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा डार्क शेड का है, मेरे स्किन टोन से बहुत डार्क है। आपको हल्का सा देखो ऑरेंज ऑरेंज, अंडर आई पे नहीं दिखेगा बट स्किन पर जब मैं लगा रही हूँ ना तो हल्का हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज सा। ये मैंने फाउंडेशन लगाया है एंड मुझे इसकी फिनिश काफ़ी सही लग रही है। और मैंने बहुत सारा अंदर ना वो लगा लिया है और ब्लश भी लगा लिया है एंड आई एम रेडी नाउ। ओके गाइस, सो आई एम रेडी, वी आर रेडी और हम लोग का मैचिंग हो गया है। एक्चुअली ये मैं लेकर के आई थी पापा के लिए, और पापा और विक्की का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, पापा का पहले एक्सेल था बट अब वो थोड़े से मतलब वेट उनका रिड्यूस हो गया है तो इसलिए वो सेम ही साइज पे आ गए। वही वाली टी शर्ट विक्की ने पहन लिया है बिकॉज विक्की के जो कोट्स वगैरह है ना वो मुंबई में छोड़ के आ गए, या वहाँ रखा गया, पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं है। तो वहाँ से भी जाएंगे तब लेकर के आ जाएंगे बिकॉज अभी बैक टू बैक शादी वगैरह सब कुछ ही है तो उसके लिए। एंड मैंने पहना है वही दिवाली वाली जो साड़ी है वो। और अब मुझे आज अपना मेकअप काफ़ी बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अभी कैमरे में तो आपको सब सेम ही लगता होगा बट हाँ जो लाइव में मुझे ये वाला शेड इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। और मेहंदी वेहंदी सब लगा ली है एंड या शादी वगैरह सब कुछ हो गई है। मैं सुबह से वहीं थी और अभी हम लोग निकले हैं। अभी एक्चुअली विदाई नहीं हुई है, तो जो वेडिंग अटेंड करी वो मराठी वेडिंग थी, महाराष्ट्रियन वेडिंग थी। वैसे तो मैं अटेंड कर चुकी हूँ पहले भी, मेरा जो फ्रेंड है जवस्वी वो भी मराठी है तो मैं अटेंड कर चुकी हूँ 2-3 मराठी वेडिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ। सो येस एंड बढ़िया रहता है। मुझे दिन की शादी अच्छी लगने लग गई है। दिन में बढ़िया सब कर कुरा के अपने आराम से फ्री हो जाओ और बस सब अपने अपने घर निकल जाए फिर। तो वही है, अब हम लोग घर निकल रहे हैं। बहुत थक गए भैया, अब ऐसा लग रहा है सब उतार के फेंकूँ मैं और अपने लोअर टी शर्ट एंड कंफर्ट क्लोथ्स में आ जाऊँ। तो अब मैं घर पहुँचती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऑल्सो मैंने ये जो लिपस्टिक लगाया हुआ है ना गाइस, ये मामाअर्थ की लिपस्टिक लगाई है। तो जो मैंने कम से कम 2 से 3 बार स्टार्टर्स खाए हैं, 3 जूस पिए हैं, मॉकटेल्स, ठीक है, नॉट जूस एक्चुअली बट हाँ सिपिंग वाली चीज़ पी है। उसके बाद बहुत तेज धूप आ रही है, हाँ, उसके बाद खाना खाया है प्रॉपर एंड लुक एट दिस। एकदम हल्की सी वो हुई है, फेड हुई है बीच में से बट इट्स इंटैक्ट। और क्योंकि मैं तो अपना कुछ वॉलेट बैग लेके गई नहीं थी तो मैंने कुछ टचअप भी नहीं किया है, सो इट्स दैट ग्रेट। मतलब बहुत अच्छी लिपस्टिक है। हाय गाइस, तो कल के बाद डायरेक्टली आज आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मम्मी को लेकर के आई हूँ बिकॉज मंथली राशन वगैरह का सामान लाना होता है। हमारी एक पर्टिकुलर शॉप है यहाँ पर न्यू मार्केट में, तो वहीं से मेरी मम्मी लेती है, वो वही लेने के लिए गई हूँ। भैया आकर के फिर गाड़ी में रख देंगे, तो वो सब करना है। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनको मेरी जो येलो साड़ी है जो मैंने खरीदी थी ना अपनी दिवाली पे, वो साड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम आए हैं, अगर टाइम रहेगा तो हम वही शॉप पर, जिस शॉप से मैंने खरीदी है वहाँ पर जाकर के एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि इस तरीके का कुछ साड़ी पैटर्न अवेलेबल है क्या इस रेंज में, क्योंकि वो रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद और क्या करना है, हाँ पापा के लिए 2-3 सामान लेना है, तो बस यही करने के लिए हम लोग ये मार्केट आए हैं। तो एक ये बालों में लगाने वाली रबर बैंड और दूसरे क्लचर, भाई ये कितने भी खरीद लो पता नहीं कहाँ घर में से गायब हो जाते हैं, जो कभी मिलते भी नहीं है। आई रियली डोंट नो, मेरे तो बहुत गायब होते हैं, तो मैं हर बार ये लेती हूँ। हर माल 5 रुपये, हर माल 10 रुपये, बड़ा मज़ा आता है ऐसी शॉपिंग करने में भी, जो कि कोविड में हम इसको बड़ा मिस करते थे, बड़ा फिर से वापस से सब कुछ चालू हो गया है। तो यहाँ से मैं न्यू मार्केट आती हूँ तो मैं इस तरीके के क्लचेज़ वचेज़ ये सब लेती रहती हूँ, और हर 1-1.5 महीने में पता नहीं मेरे कहाँ चले जाते हैं, या कहीं मैं रख के भूल आती हूँ, या किसी के घर जाती हूँ तो मैं वो चीज़ वहीं भूल के आ जाती हूँ, ऐसा कुछ होगा। फिर मेरी मम्मी के मोबाइल का हमको बैक कवर लेना था, बहुत ही डल कलर वो यूज़ कर रही थी, तो मैंने बोला यार थोड़े हैप्पी कलर यूज़ करा करो, मस्त अच्छा लगता है, मूड अच्छा लगता है, और वो हम लोगों ने चेंज करवाया। ओके गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट, और आज मैं जब मार्केट गई थी ना तो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया हुआ था, वही मैक का जो नया शेड है ना वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये बिना सेटिंग स्प्रे के जो मेरा कॉम्पैक्ट है ना वो है, दिस इज माई नोज, दिस इज, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पास से दिखा रही हूँ। सो नोज़ के यहाँ पर मुझे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, एंड कमिंग टू माई दिस स्किन, सो एज यू कैन सी इट्स इंटैक्ट, बट या इट इज़ लुकिंग गुड। सो अब जो मैं शेड लेकर के आई हूँ ना, नाउ दिस इज द आई थिंक परफेक्ट शेड अकॉर्डिंग टू माई स्किन, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। एंड आज हम लोगों को जाना है एक वेडिंग में, ये वाला जो मैंने करवा चौथ वाला रेड सूट है ना मैं ये पहन के चली जाती हूँ। या लेट्स जस्ट गेट रेडी। तो हम लोग जाने वाले हैं, मेरी मदर इन लॉ जाएंगी, मेरे विक्की जाएगा, मैं जाऊँगी, सब जाएंगे। फादर इन लॉ गए हुए हैं पुणे टीनू के पास, सो कल उन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारी शादी के 4 दिन बाद उनकी आती है। सो येस, नवंबर में तो भाई मतलब जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन कम से कम 4 लोगों की और मैरिज एनिवर्सरी थी, उसके नेक्स्ट डे मैरिज, मतलब भयंकर भयंकर शादियाँ होती हैं नवंबर में लिटरली। ओके गाइस, सो आई एम रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस ईयरिंग्स, इतने सही लग रहे हैं, मैंने अमेजन से लिए थे मात्र 250 रुपीज़ में, दैट्स इट। एंड या आई एम वेयरिंग दिस रेड सूट एंड ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं शादी में जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज है नेक्स्ट डे और आज फिर से मैं आ गई हूँ मार्केट। एक्चुअली मेरी मम्मी ने कल कुछ सामान लिया था, सो वो जो साइज़ है उनको गड़बड़ आ गया है, तो वो बदलने के लिए आई हूँ मैं। और दूसरी चीज़, कल मेरा एक ब्रांड शूट है, सो उसके लिए मुझे प्लेन वाइट टी शर्ट चाहिए। मेरे पास एक भी प्लेन वाइट टी शर्ट नहीं, मेरी वाइट टी शर्ट्स में कुछ ना कुछ या तो छोटे छोटे से डॉट्स हैं, या कुछ प्रिंट्स बने हुए हैं, या कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो मैं वो लेने के लिए आई हूँ जल्दी में बस। तो होपफुली देखते हैं मिल जाए। ये लोग 2 दिन पहले बता देते कल शूट है, आज बता रहे हैं। 2 दिन पहले बता देते तो मैं मॉल गई थी इन जनरल, तो मैं ना वहाँ से ले लेती, बट अनफॉर्चुनेटली फटाफट से जो स्टार्टिंग शॉप थी मैंने वहीं से वाइट टी शर्ट ले ली है। ओके गाइज, सो आज है नेक्स्ट डे और आज है मेरा शूट डे, मतलब मैं जहाँ पर जा रही हूँ शूट करने के लिए, तो मैं एक सैलॉन में जा रही हूँ। तो दिस इज़ इन द कोलैबोरेशन विद लॉरियल। तब रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, जो टॉप मैं कल लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। बहुत टाइट है, क्योंकि क्या होता है ना लोकल शॉप्स में आपको साइजेस नहीं मिलते हैं। तो मैं डीबी वगैरह मॉल वगैरह जाती थी तो मुझे आराम से साइजेस में वाइट टॉप मिल जाता, बट फिर वही है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाता। एंड डेली मैं मार्केट निकल रही हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है, जिसकी वजह से फिर मेरी एडिटिंग रह जाती है, मेरा शूट रह जाता है। तो मुझे कल एडिटिंग में बहुत सारी करनी थी, तो मैंने बोला यार अभी यहीं पास से जो मिल रहा है वो लेके आती हूँ। ओके गाइस, सो आई रीच्ड हियर टू द लोकेशन, और गाड़ी वाड़ी भी पार्क कर दी है मैंने, तो अब चलिए अब चलते हैं पार्लर की तरफ। If the wind could spread your love. था 11:30 एंड मैं यहाँ पर पहुँच गई 11:15 पे। एंड मैंने जब उनको कॉल किया कि यार कोई नहीं आया है, तो शी सेड मी कि यार यूजुअली लोग हम 11:30 का टाइम देते हैं, तो लोग 12:30 1 o'clock तक पहुँचते हैं, यू रीच बिफोर टाइम, और एक्चुअल जो टाइम है वो 12 o'clock है। आई मीन समटाइम्स पंक्चुअल होना, मतलब मैं थोड़ी वैसी हूँ कि टाइम से पहले पहुँचने वाली इंसान, बट कोई बात नहीं। What if your sweetness could reach every been awards. Maybe the birds will sing. ओके गाइज, अब जा करके मैं फ्री हुई हूँ। बाप रे बाप, मैं 11:15 बजे पहुँच गई थी और अभी बज रहा है 5:15। कैलकुलेट कर लो कितने घंटे। जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, टाइम का बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। एंड भाई साहब, अपने ब्रांड ने भी और सब ने बहुत अपॉलजीज मेरे को ऑलरेडी ले लिए मुझसे। तो अभी मैं ठीक है किसी के लिए कुछ बोलूँगी नहीं, फाइन हो गया। बट गजब लेवल का टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। बट हाँ, जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लुक एट द शाइन, मतलब अभी मैंने कैमरे से नहीं कर रही हूँ, ये नेचुरल लाइट में दिख रही हूँ। ठीक है, लुक एट दिस, बहुत सही, बहुत शानदार लेवल का वो किया है। और जो बंदी थी जो लॉरियल की तरफ से आई थी, वो मेरे घर के बिल्कुल पीछे रहती है, तो मैंने उससे भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली कि मुझे सिखाना है कैसे करते हैं। सो या आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और अब निकलते हैं घर, बिकॉज मैं लिटरली बताऊँ, मैं ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई थी। हालांकि उन्होंने मुझे थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट्स के लिए, वो बहुत लंच के लिए भी पीछे पड़ रहे थे, बट मुझे खाना नहीं था बाहर का, तो मैंने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लिया। नाउ आई एम फीलिंग गुड। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।